है दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान होने के बाद चुनावी रण पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश शर्मा ने चुनावी हुंकार भरते हुए एक बड़ी रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। रैली की अगुवाई पीसीसी चीफ दीपक बैज कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शिखर देवांगन ने पीसीसी चीफ दीपक बैज और आकाश शर्मा से खास बातचीत की, आइए सुनाते हैं। रायपुर दक्षिण में प्रत्याशियों का चेहरा फाइनल हो चुका है और उसके बाद अब नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। रायपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा अपना नामांकन दाखिल करने के लिए निकले हैं, लेकिन इस नामांकन रैली की तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ जो है वो इस नामांकन रैली में पहुंची हुई है और कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा नामांकन रैली के दौरान कैसे लोगों के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जनता से अपना समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से पूरी नामांकन रैली निकली है, गांधी मैदान से कलेक्ट्रेट तक ये रैली जाएगी और इस दौरान जो आकाश शर्मा है वो अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। आकाश शर्मा हमारे साथ मौजूद है, आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी ने युवा चेहरे को प्रत्याशी बनाया है, सगरी चेहरे को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने बनाया है निश्चित जनता जो आशीर्वाद देगी। ये चुनाव निष्क्रिय सुनील सोनी वर्सेस एक 35 साल के युवा आकाश शर्मा के बीच है और ये चुनाव और कुछ नहीं है। एक बार आपको तीन बार मौका दिया जनता ने, महापौर दो बार, एक बार सांसद, अब चुनाव जो है आकाश शर्मा वर्सेस सुनील सोनी का है और जनता आशीर्वाद देगी। जनता के बीच पहुंच रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भैया, बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से जनता के बीच आकाश शर्मा पहुंच रहे हैं और मुलाकात लोगों से लगातार की जा रही है। और जिस तरह से नामांकन रैली निकाली गई है, इस नामांकन रैली की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो रैली में मौजूद हैं और लोगों से समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पूरा रैली निकाला गया है, इस रैली में तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और जनता से समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आज नामांकन रैली के लिए आकाश शर्मा पहुंच रहे हैं और नामांकन रैली को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग नामांकन रैली में पहुंचे हुए हैं। उनके साथ जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी इस रैली में अपनी भागीदारी देते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से रायपुर दक्षिण का जो चुनाव है वो काफी रोचक होता हुआ नजर आएगा और इस वक्त जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो अपनी नामांकन रैली में पहुंचे हुए हैं और नामांकन रैली जो है वो दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। और इस तरह से जो नज़ारा है वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ जो है इस नामांकन रैली में देखने को मिल रही है। क्या प्रश्न राहुल के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज रायपुर। तो बंसल न्यूज के संवाददाता शिखर देवांगन ने पीसीसी चीफ दीपक बैज से भी बातचीत की है, क्या कुछ कहा उन्होंने आइए सुनते हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं और जिस तरह से तस्वीर देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जो है नामांकन रैली में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी इस रैली में शामिल है, आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। बहुत रोचक इस बार मुकाबला होने जा रहा है, जबरदस्त मुकाबला रहेगा, शानदार मुकाबला रहेगा और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आज कांग्रेस का भाई आकाश शर्मा के लिए नामांकन भरने जा रहे हैं, ऐतिहासिक जन सैलाब उमड़ा है भाई आकाश शर्मा और कांग्रेस के लिए और तमाम हमारी माता बहने आशीर्वाद देने, युवा टीम हमारे साथ है, तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक आज के इस कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी का नींद उड़ गया और वो चैन से सो भी नहीं पाएगी। बीजेपी के तमाम नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आकाश शर्मा बाहरी है, क्या लगता है कि कांग्रेस को चूक हुई बाहरी को लेकर? यही तो डर है, हम तो चाह रहे यही तो डर है, भारतीय जनता पार्टी का डर वापस आ रहा है। क्या आकाश शर्मा खून में छत्तीसगढ़िया, संस्कृति छत्तीसगढ़िया, बोली भाषा छत्तीसगढ़िया, सब चीज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो डरी हुई क्यों है? मुकाबला कर ले, हम तैयार हैं मुकाबला के लिए। लगातार 8 बार से बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जीतकर आते रहे, इस बार क्या कांग्रेस इस किले को फतह कर रही है? इस समय 34 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और इस समय पूरे रिकॉर्ड को ध्वस्त करेंगे और इस समय कांग्रेस दक्षिण विधानसभा से जीतेगी। कितना होगा जीत का अंतर? मैंने कहा कि मजबूती के साथ अच्छे से हम भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड इस समय हम तोड़ रहे हैं।
बिल्कुल देख सकते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि इस बार रायपुर दक्षिण में रिकॉर्ड वोटों से कांग्रेस जीत रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज रायपुर।